हेलो गाइस, आज हम लोग पढ़ेंगे शिफ्टिंग कल्टीवेशन। तो शिफ्टिंग कल्टीवेशन, इन दिस टाइप कल्टीवेशन फर्स्टली फॉरेस्ट एरिया लैंड एरियाज क्लियर्ड एंड कल्टीवेशन। इसमें जो है हम सबसे पहले फॉरेस्ट एरियाज की लैंड को जो है क्लियर करते हैं, उसके बाद वहाँ पे हम कल्टीवेशन करते हैं। जब वहाँ की प्रोडक्टिविटी लॉस हो जाती है तो हम वहाँ से ट्रांसफ़र कर जाते हैं, दूसरे जगह चले जाते हैं। ड्यू टू कल्टीवेशन ऑफ सेम क्रॉप जनरली राइस ऑन द सेम लैंड ईयर आफ्टर ईयर, सॉइल प्रोडक्टिविटी इज लॉस्ट। और अगर मान लीजिए हम किसी एक ही क्रॉप को, पैडी को, एक ही क्रॉप को बार बार उगा रहे हैं, तो वहाँ की जो प्रोडक्टिविटी है सॉइल की, वो लॉस हो जाती है। जैसे कि यहाँ पे हमने देखा है कि पैडी को हमने फर्स्ट ईयर में उगाया है, तो यहाँ की प्रोडक्टिविटी अगर लॉस हो रही है, तो हम उसके बाद लैंड को ही चेंज कर दे रहे हैं। हम क्रॉप नहीं चेंज कर रहे, हम लैंड चेंज कर रहे हैं, पैडी दूसरी जगह लगाते हैं। इन केस इट कॉज सॉइल इरोजन इन केस ऑफ लैंड रोटेटेड बट क्रॉप इज फिक्स्ड, देयर फॉर इट मे ऑल्सो बी कॉल्ड लैंड रोटेशन। इसमें जो है लैंड की हम रोटेशन करते हैं, लैंड को चेंज करते हैं, इसीलिए हम इसे लैंड रोटेशन भी कहते हैं। क्रॉप जो है फिक्स्ड रहता है। ये मोस्टली नॉर्थ ईस्टर्न एरियाज और हमारे प्लेटी जैसे MP और कुछ हिली एरियाज में कल्टिवेशन किया जाता है। फिर सेकेंड है क्रॉप रोटेशन ऑन अ फील्ड लैंड। रिपीटेड कल्टिवेशन ऑफ क्रॉप और फॉलो लैंड इन अ सर्टन सिक्वेंस इज ए कॉल्ड क्रॉप रोटेशन। इसमें जो है हमारी जो क्रॉप होती है, क्रॉप को हम चेंज करते रहते हैं, क्रॉप को रोटेशन करते हैं, लेकिन जो लैंड होता है वो हमारा फिक्स होता है। जैसे कि हमने राइस लगा दिया, फिर वीट लगाया, फिर मूंग लगाया फर्स्ट ईयर में। इसके बाद हमने सेकेंड ईयर में राइस तो लगाया, लेकिन हमें वीट को जो है मस्टर्ड के साथ सब्स्टिट्यूट कर दिया और मूंग को हमने चिली के साथ सब्स्टिट्यूट कर दिया। इसका मेजर ऑब्जेक्टिव ये है कि यह सॉयल इरोजन को रोकता है और सॉयल की मॉइस्चर को कंजर्व करता है। और एक मॉडर्न और साइंटिफिक एग्रीकल्चर का सबसे मेन आधार यही है कि हम सॉयल की प्रोडक्टिविटी को बनाए रखें, फर्टिलिटी को बनाए रखें, जिसके लिए सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है। इसके बाद है सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, इको फार्मिंग, या जिसे ऑर्गेनिक फार्मिंग भी कहते हैं। इट इज़ दैट फॉर्म ऑफ फार्मिंग विच प्रोड्यूस सफिशेंट फूड टू मीट द नीड द करेंट जनरेशन विदाउट इरोडिंग द इकोलॉजिकल एसेट्स एंड प्रोडक्टिविटी ऑफ लाइफ सपोर्टिंग सिस्टम ऑफ फ्यूचर जनरेशन। इसमें जो है हम प्रेजेंट जनरेशन के लिए सॉइल को इस तरीके से यूज करते हैं कि जो प्रेजेंट जनरेशन की जो नीड है उसको हमें प्राप्त हो और हमारे जो फ्यूचर के एसेट्स हैं वो भी ना ख़राब हों। इसको हम ऑर्गेनिक फार्मिंग, इट इज़ अ ऑर्गेनिक फार्मिंग बिकॉज ऑर्गेनिक मैटर इज़ अ मेन सोर्स ऑफ न्यूट्रेंट मैनेजमेंट। इसमें जो है न्यूट्रेंट का जो मेन सोर्स होता है वो एक तरीके से ऑर्गेनिक मैटर होता है, जिसके वजह से इसे ऑर्गेनिक फार्मिंग भी कहते हैं। इट इज़ आल्सो इन्वॉल्व्स एग्रो फॉरेस्ट्री, मल्टी लेवल कल्टीवेशन एंड इंटीग्रेटेड एनिमल हस्बेंड्री। इसमें हम एग्रो फॉरेस्ट्री करते हैं, साथ में मल्टी लेवल कल्टीवेशन भी करते हैं और इंटीग्रेटेड एनिमल हस्बेंड्री भी करते हैं। फिर इसके बाद नेक्स्ट है क्रॉपिंग सिस्टम। इसका यही समझ लीजिए कि जितने भी हमारे पास रिसोर्सेज हैं, जैसे हमारे पास गाय है, वो लाइव स्टॉक है, और वाटर है, लैंड है, जो भी स्कीम है, जितने भी हैं, सबको हम एक तरीके से ध्यान में रखते हुए प्रोडक्टिविटी को बनाए रखें और ऑप्टिमम इंक्रीज हमारे नेट रिटर्न प्राप्त हो, इसके लिए हम क्रॉपिंग स्कीम अप्लाई करते हैं। फिर मॉडर्न साइंटिफिक क्रॉपिंग स्कीम के तीन पिलर हैं, जैसे कि जियोटाइप, कि हमारा सीड का मेकअप किस तरीके से है। फिर जियोटाइप ऑफ प्लांटिंग, हमारी प्लांटिंग, जैसे कि एक इंडिविजुअल प्लांट को कितना स्पेस चाहिए, ये उसका जियोटाइप ऑफ प्लांटिंग हो गया। और अगर मान लीजिए जैसे कम्पिटेटिव एग्जाम में पूछता है कि सबसे बेटर कौन सा होता है, तो क्यूबिडियल होता है। क्यूबिडियल प्लांटिंग सबसे बेटर होता है किसी भी क्रॉपिंग पैटर्न के लिए। फिर नेक्स्ट है हमारा क्रॉपिंग पैटर्न, क्रॉप रोटेशन प्रैक्टिस्ड बाई मेजोरिटी ऑफ द फार्मर्स इन अ गिवन एरिया और लोकेलिटी। द प्रोपोर्शन ऑफ एरिया अंडर वेरियस क्रॉप एट अ पॉइंट ऑफ टाइम एंड यूनिट एरिया। जैसे कि कोई भी, मतलब कोई भी लोकेलिटी है, यहाँ पे जो भी क्रॉपिंग पैटर्न, जैसे पैडी वीट लगा रहे हैं, मतलब एक मेजोरिटी जो उगा रही है उसे हम क्रॉपिंग पैटर्न कहते हैं। फिर है फार्मिंग सिस्टम, इट इज़ अ रिप्रेजेंट एंड, जैसे कि आप इतना ही समझ लीजिए कि जो हमारे इंटरप्राइजेज हो गए हैं, सबसे पहले इंटरप्राइजेज क्या होते हैं, जैसे क्रॉप हमारा एक इंटरप्राइज है, लाइव स्टॉक एक इंटरप्राइज है, फिशरी एक है, इसी तरीके से जो भी हैं इन सब का एक अप्रोप्रिएट मेथड से या ढंग से हम समुचित उपयोग करें, जिससे हमें अधिकतम से अधिकतम प्रॉफिट प्राप्त हो, उसे हम फार्मिंग सिस्टम कहते हैं। फिर इसमें है मिक्स्ड फार्मिंग, इट इज़ अ सिस्टम ऑफ फार्मिंग ऑन अ पर्टिकुलर फार्म, इंक्लूड्स क्रॉप प्रोडक्शन, रेजिंग लाइव स्टॉक, पोल्ट्री, फिशरिंग टू सस्टेन द सेटिस्फाइज एज मेनी नीड फॉर द फार्मर्स। मिक्स्ड फार्मिंग में यही होता है कि जो भी हमारे पास इंटरप्राइजेज हैं उन सब का एक अच्छी तरीके से यूज करें, जो कि फार्मर की जितनी भी अधिक से अधिक नीड हमारी जो है वो मिलती रहे। फिर नेक्स्ट है क्रॉपिंग, क्रॉपिंग ऑफ इंडिया।
इसमें सबसे पहले है सोलो क्रॉपिंग, डिफाइंड इज अ कल्टीवेशन ऑफ वन क्रॉप वेराइटी ओलोन इन अ प्योर स्टैंड अ नॉर्मल डेंसिटी इन अ सर्टेन टाइम एंड प्लेस। जैसे कि हम सिर्फ एक ही क्रॉप को उगा रहे हैं, उसके सर्टेन टाइम पे उसकी डेंसिटी, उसकी पॉपुलेशन, सबको, मतलब एक ही प्लांट को, एक ही क्रॉप को उगाना है, तो उसे हम सोलो क्रॉपिंग कहते हैं। फिर नेक्स्ट है मल्टीपल क्रॉपिंग। मॉडर्न डिफिनेशन इज अ मल्टीपल क्रॉपिंग इज डिफाइंड एज द कल्टीवेशन ऑफ टू और मोर क्रॉप ऑन अ सेम फील्ड इन अ ईयर विदाउट डिओरोटिंग द सॉइल फर्टिलिटी। जैसे कि मॉडर्न, वैसे तो बहुत सारे डिफिनेशन हैं, लेकिन जो मॉडर्न है कि हम सॉइल की फर्टिलिटी को बेकार ना करते हुए, उसे डिओरोट ना करते हुए अधिकतम से अधिकतम इंक्रीज प्राप्त करें, और उसे मल्टीपल क्रॉपिंग कहते हैं। इसमें भी बहुत सारे टाइप हैं, जैसे कि इंटर क्रॉपिंग, मिक्स्ड क्रॉपिंग, तो हम सबको एक एक करके देखेंगे। सबसे पहले है इंटर क्रॉपिंग, ग्रोविंग और टू और मोर क्रॉप ऑन अ सेम फील्ड लैंड विथ अ डिफाइंड रो अरेंजमेंट ऑन अ फिक्स रेशियो इज कॉल्ड इंटर क्रॉप। जैसे कि दो या दो से अधिक क्रॉप एक ही फील्ड पे, मतलब एक ही टाइम पे लगाना, लेकिन एक फिक्स रो अरेंजमेंट में, जैसे कि एक फिक्स्ड 9:1 का रेशियो बना रहे हैं हम, तो एक फिक्स रो में हम उगा रहे हैं, उसे हम कहते हैं इंटरक्रॉपिंग, जैसे वीड और मस्टर्ड का। फिर पैरेलल क्रॉपिंग है, कल्टीवेशन ऑफ सच क्रॉप विथ हैव डिफरेंट नेचुरल हैबिट एंड जीरो कंपटीशन। इंटरक्रॉपिंग में दो ऐसे क्रॉप को लगाना जिसके कि मतलब जीरो कंपटीशन हो और डिफरेंट नेचुरल हैबिट हो, उनका जो हैबिट है, जैसे पीक डे या न्यूट्रेंट, जैसे कि हम उड़द की बात करते हैं, उड़द में 35 डेज का पीक डे, उसके बाद वो न्यूट्रेंट लेता है, जबकि मेज में 50 डेज है, इसकी वजह से इन दोनों में कंपटीशन नहीं होता है। फिर है कंपेनियन क्रॉपिंग, वेयर द प्रोडक्शन ऑफ बोथ इंटरक्रॉप इज इक्वल टू दैट इट्स सोलिड। जैसे कि हम दो इंटरक्रॉप लगाते हैं, लेकिन दोनों का जो प्रोडक्शन आता है, दोनों का इंडिविजुअल प्रोडक्शन जो आता है, उसके सोलो प्लांटिंग या सोलिड प्लांटिंग के इक्वल होता है, उसे हम कंपेनियन क्रॉपिंग कहते हैं। फिर नेक्स्ट है मल्टी स्टोरेड क्रॉपिंग, कल्टीवेशन ऑफ टू और मोर क्रॉप्स ऑन डिफरेंट हाइट्स एंड अ सर्टन पीस ऑफ लैंड इन ए सर्टन पीरियड। जैसे कि दो या दो से अधिक क्रॉप हम उगा रहे हैं, लेकिन उनके डिफरेंट हाइट है, हाइट उनकी डिफरेंट है, उनमें सेपेटियल इनडाइशन पाया जाता है, जिसकी वजह से उनमें जो है कंपटीशन नहीं होता है, और हाइट उनकी चेंज रहती है, और इन एडिशन इन इनकम के लिए मल्टी स्टोरेज क्रॉपिंग यूज़ किया जाता है। जैसे कि शुगर केन के साथ मस्टर्ड और ओनियन उगा देते हैं, जिससे कि ये दोनों, तीनों की हाइट भी अलग है और हमें एडिशनल इनकम भी अर्न होती है। फिर है सिनर्जेटिंग क्रॉपिंग, द यील्ड्स ऑफ बोथ क्रॉप्स आर नेदर दैट ऑफ देयर प्योर क्रॉप ऑन ए यूनिट एरिया बेसिस। तो यील्ड जो है, जब हम इंटरक्रॉपिंग दो क्रॉप की करते हैं, जिनका कि यील्ड जो है उनके सोलिड क्रॉपिंग और सोलो क्रॉपिंग से ज़्यादा होता है, हाइयर होता है। जैसे शुगर केन के साथ हम पोटैटो उगाते हैं, तो इन दोनों का जो रेशियो आता है, जो यील्ड आता है, उन दोनों के सोलो क्रॉपिंग से अच्छा आता है। फिर नेक्स्ट है ऑन द बेसिस ऑफ परसेंट ऑफ प्लांट पॉपुलेशन, माफ़ कीजिएगा थोड़ा लाइट का इशू था, ऑन द बेसिस ऑफ परसेंट ऑफ प्लांट पॉपुलेशन यूज फॉर क्रॉप इन इंटरक्रॉपिंग सिस्टम। मतलब प्लांट के पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग भी इंटरक्रॉपिंग सिस्टम को डिफाइन किया गया है, उनको हम टाइप्स में बांटा गया है। जैसे कि फर्स्ट है एडिटिव सीरीज इंटरक्रॉपिंग, इन सच टाइप ऑफ इंटरक्रॉप वन क्रॉप इज अ मेन क्रॉप एंड अनदर इज क्रॉप इज अ इंटरक्रॉप। इंटरक्रॉप इज इंट्रोड्यूस्ड इन द बेस क्रॉप बाई एडजस्टिंग और चेंजिंग क्रॉप ज्योमेट्री ऑफ प्योर क्रॉप। प्योर क्रॉप पॉपुलेशन इज द सेम, अदर इज चेंजेबल। जैसे कि हम लगा रहे हैं शुगर केन, तो शुगर केन का जो वो शुगर केन है वो सोलो क्रॉपिंग, उसका सोलिड क्रॉपिंग के जितना ही डेंसिटी रहेगा, जियोमेट्री रहेगा, लेकिन हम जब पोटैटो लगाते हैं तो उसकी जियोमेट्री में थोड़ा बहुत चेंज करना पड़ता है या ना करते हैं, लेकिन शुगर केन जो होता है वो मेन क्रॉप होता है, और पोटैटो जो है हमारा वो इंटर क्रॉप होता है। जैसे कि सोविंग ऑफ पोटैटो इन द फील्ड ऑफ शुगर केन बिटवीन द रोज ऑफ एट 19 सेंटीमीटर, 19 सेंटीमीटर के रो पे हम पोटैटो का कल्टीवेशन या इंटरक्रॉपिंग करते हैं, तो ये एडिटिव सीरीज इंटरक्रॉपिंग होता है।